आपने तत्काल संज्ञान लिया, उसको हटा दिया। कई जगह ऐसे और मामले भी सामने आ रहे हैं, उस पर पार्टी का क्या व्यू है? कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी आतंक अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। और आगे भी अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित नहीं करेगी। हम तुरंत एक्शन लेंगे। सार्वजनिक जीवन में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवा के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विकास के लिए होते हैं, वहां अपराधियों को कोई स्थान नहीं है। हाँ, कोई राजनीतिक मामले हैं, आतन अपराधी नहीं है, कभी संयोग बस कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कई बार आपस में हो जाता है। मैं कुख्यात आतन अपराधी की बात कर रहा हूं। सामान्य मामले कई बार होते हैं परिवारों में, वैसी कोई परिस्थिति है या कहीं घटना कोई हो गई, आतन अपराधी नहीं है या राजनीतिक मामले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो मामले अलग हैं। लेकिन कुख्यात आतन अपराधी जो लगातार गड़बड़ें करते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे बड़े केसेस हैं, जुआ, सट्टा, अनैतिक गतिविधियां उसमें लिप्त है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। अगर कहीं बना होगा तो उसको भी वापस।